नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन सैनी और आप देख रहे हैं टेक एनकेटी। दोस्तों, यदि आप भी काइन मास्टर के द्वारा वीडियो में क्रोमा की का यूज़ करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आज मैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा, इसके बारे में सिखाऊंगा कि कैसे क्रोमा की का यूज़ करते हैं वीडियो में, आप एक वीडियो में दूसरा वीडियो कैसे लगा सकते हैं क्रोमा की के द्वारा, वो भी 2 सेकंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप भी काइन मास्टर बिना वाटरमार्क का यूज करना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है और वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर ले, वो भी बिना वाटरमार्क का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इस वाले आइकन पे जाना है। तो चलिए मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों, आपके पास ऐसा काइन मास्टर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाना है आपको इस वाले आइकन पे, मीडिया पे। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों, आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड लेना है, या तो आप फोटो के रूप में ले सकते हैं या वीडियो के रूप में ले सकते हैं। मैं यहाँ पर वीडियो के रूप में बैकग्राउंड ले रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा यहाँ पर ये बैकग्राउंड है, मैं ये बैकग्राउंड वीडियो के रूप में ले रहा हूँ। यहाँ पर वीडियो है, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड आ गया है, ये वीडियो का बैकग्राउंड है। यहाँ पर आपको मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। देखिए, ये वीडियो है। अब इस पर मैं बताऊंगा कि क्रोमा की का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको इस वाले लेयर पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको इस मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ से आपको एक ऐसा वीडियो लेना है, ऐसा वीडियो जिसका बैकग्राउंड ग्रीन हो। आप पहले से गैलरी में सेव कर सकते हैं जिसका आप वीडियो में यूज करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक वीडियो सेव कर रखा है गैलरी में जिसका ग्रीन बैकग्राउंड है। तो चलिए मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वीडियो ले आया है, वो ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड के साथ। तो चलिए मैं अभी आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऐसा चलेगा। अब इसका ग्रीन बैकग्राउंड है वो हटाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रोमा की का। तो आपको क्या करना है, इस लेयर पे क्लिक करना है, जो लेयर बन जाता है नीचे, इस पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये ऑप्शंस देख रहे हैं, जब इन ऑप्शंस पे नीचे जाएंगे आप तो क्रोमा की आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रोमा की आ चुका है, यहाँ पर ये क्रोमा की आ गया है। इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोमा की का एनेबल पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको इसको ऑन करना है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ। जैसे ही ऑन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसका ग्रीन बैकग्राउंड है वो चला गया है, हट गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन बैकग्राउंड है वो चला गया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 सेटिंग्स हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। यहाँ पर आपको इसको सेट करना है, आपको जैसा अच्छा लगे उसको सेट करना है कि ये क्लियर दिखे। तो चलिए मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ इसको। पहले ऊपर वाले को सेट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे करता हूँ तो गायब हो जाता है, तो क्लियर दिखे इसके लिए मैं यहाँ पर, और नीचे वाले को देखिए यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। अब ये सेट हो गया है। अब इस वीडियो को मैं चला कर देखता हूँ तो कैसे चलता है। और यहाँ पर इसको अब आपको क्या करना है, चला के देखना है। तो चलिए मैं इसको चला के देखता हूँ। ये इस प्रकार से चलेगा, और आपका वीडियो जो मैंने बैकग्राउंड में वीडियो लिया था, वो जिस प्रकार से आप वीडियो बनाते हैं वो ले सकते हैं, और आप इस प्रकार से क्रोमा की का यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्रोमा की का मैंने किस प्रकार से यूज़ किया, आप भी कर सकते हैं और अपने वीडियो में अट्रैक्टिव जो बना सकते हैं आपके वीडियो को। दोस्तों, अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा है और
मैं इसको कट करना चाहूँगा, तो यहाँ से जो आपको कट का निशान आ रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे इधर वाला। चलिए अब ये वीडियो इतना बन गया दोस्तों। अगर आप भी बिना वाटरमार्क का काइन मास्टर यूज करना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, वहाँ पर इसका लिंक दे रखा है बिना वाटरमार्क का काइन मास्टर का, तो वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।